पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में आज फिर ख्वाजा बरादरान के लिए एक और अहम दिन। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की हिफाजती जमानत आज खत्म हो जाएगी। दोनों भाइयों ने तब्दीली तफ्तीश के लिए अदालत और चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दे रखी है। जूनियर क्लर्क का लेडी ट्रैफिक वार्डन को अगवा करने का ड्रॉप सीन, एसपी सदर की इंक्वायरी में होशरुबा इंकशाफात। लेडी वार्डन जूनियर क्लर्क पर लगाए इल्जामात साबित ना कर सकी। शादी से इनकार पर लेडी वार्डन ने जूनियर क्लर्क पर ज्यादती का इल्जाम लगाया। इंक्वायरी रिपोर्ट पर लेडी वार्डन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। पंजाब पुलिस में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। एक एसपी और 22 डीएसपीज के तकरर तबादले। अशरफ अयाद को डीएसपी इशरा लाहौर तायुनात कर दिया गया। डीएसपी बाबर मुमताज की खिदमात एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग के सुपुर्द। दूसरों को पकड़ने वाले खुद पकड़ में आ गए। करप्शन में मुलविस एक्साइज अफसरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 इंस्पेक्टर और 3 डेटा ऑपरेटर्स को ओहदों से हटा दिया गया। हटाए गए अफसरान के खिलाफ गाड़ी की बोगस ट्रांसफर का केस चल रहा था। एंटी करप्शन ने रेस्क्यू 1122 के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर को खत लिखकर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। डीजी रेस्क्यू से टेंडर्स, दस्तावेजात, इश्तेहारा, ठेकेदारों का रिकॉर्ड भी तलब। ग्रेटर इकबाल पार्क भी नैब के रिडार पर। मुबैना बेजाब्तगियों पर इंक्वायरी शुरू। मंसूबे की तकमील पर 2.5 अरब रुपए लागत आई। नैब ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर स्टाफ का डीजीपीएचए को मुरासला। पार्क में भर्ती होने वाले मालियों की तफसीलात, तनख्वाहों के अखराजात भी तलब। 32 घोष्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें प्राइवेट अकाउंट्स में जाने का इंकशाफ। ₹5000 के काम पर 50 कैसे खर्च हुए, ये पूछा तो सब नैब के खिलाफ इकट्ठे हो गए। नैब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्की मफादात के लिए काम कर रहा है। नैब में हर सिफारिश और ओहदा गेट से बाहर खत्म हो जाता है। अब ईमानदार लोगों का जीना आसान होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत अहम इजलास। डीजी नैब लाहौर की मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के वफ की भी मुलाकात। नैब हवालात में शहबाज शरीफ को ठंड लगने लगी। साबिक वजीर आला ने सर्दी से बचने के लिए जैकेट मंगवा ली। शहबाज शरीफ को देसी बकरे की ताजा यखनी भी फराहम। हवालात में सर्दी से बचाव के लिए इंतजामात नहीं, मुलाजिम शहबाज शरीफ। आमदन से जायद असासाजात केस में अहम पेशरफ्त। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड नैब को मौसूल। निजी बैंक के नुमाइंदे ने रिकॉर्ड नैब हुकाम के हवाले किया। अकाउंट खुलने से लेकर 2018 तक की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी शामिल। बल्दिया उज़्मा रेवेन्यू पावर हाउस की नाकामी। 35 मार्केटों का किराया वसूल ना किया जा सका। 15 करोड़ 30 लाख से जायद के बकाया जात काबिले वसूल हैं। साबिक हुकूमत के चीन भिजवाए तालबा की मौजूदा हुकूमत ने खबर ना ली। महकमा हायर एजुकेशन की एक और नाअहली सामने आ गई। चीन में मौजूद तलबा को स्कॉलरशिप के पैसे ना मिल सके। चीनी जुबान का डिप्लोमा करने गए तलबा रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने से भी कासिर। तलबा को माहाना 53,000 रुपए दिए जाते हैं। सुंदर के करीब खूनी ट्रैफिक हादसा कीमती जाने ले गया। दूध के बर्तनों से लदा तेज रफ्तार मिनी ट्रक उलट गया। खौफनाक हादसे के नतीजे में 8 अफराद जान बहक, 21 से ज्यादा जख्मी हो गए।
हादसे का शिकार होने वाले 20 अफराद का ताल्लुक एक ही गांव से है। जिना और जनरल अस्पताल में 6 जख्मी ताहाल जेरे इलाज, 3 की हालत नाजुक। टाउन इंतजामिया को जाए हादसा से ट्रक और दीगर मलबा हटाने में 4 घंटे लग गए। गुर्बत में जीना महाल, कर्ज मौत का फंदा बन गया। बागबानपुरा में रिक्शा ड्राइवर को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का इंसानियत सोज वाकया। 50 साल वहीद को 8,000 कर्ज ना देने पर अफजलनामी शख्स ने जिंदा जला दिया। गरीब रिक्शा ड्राइवर 3 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। लाहौर न्यूज, मुतासरीन की आवाज बना तो हुकाम को होश आ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सर्दी आई, गैस चली गई। शहर के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर और बंदिश मामूल बन गई। मक्का कॉलोनी और लियाकताबाद के मकीन सड़कों पर आ गए। खवातीन और बच्चों का सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज, गैस दो के नारे। सुबह सुबह बच्चे भूखे जाते हैं तो गैस नहीं होती, चूल्हा जलाइए तो गैस नहीं होती। आधी रात के 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे गैस आती है, उस वक्त हम उठ के हांडियां बनाते हैं। तो ये क्या तरीका हुआ कि हमें शाम के टाइम चाहिए गैस, सुबह के टाइम गैस चाहिए। हमारा नाश्ता नहीं होता, बच्चे स्कूलों के भूखे जाते हैं। हम बड़े परेशान हैं, गैस बराबर आके थक गए हैं। बच्चे हमारे भूखे जाते हैं स्कूल में, बाजार से हम खरीद नहीं सकते, क्या करें हम। स्कूल जाना होता है, गैस नहीं आती, वो भूखे नाश्ते के बगैर चले जाते हैं। बाद में 100 प्रॉब्लमें आ जाती हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। किसी टाइम किसी के पास नहीं होता कि गैस डलवाने को सिलेंडर में पैसे, क्या करें। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर, ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए जदीद इलाज अब लाहौर में भी मुमकिन। जनरल अस्पताल में मरीज को बेहोश और किसी आज़ा को नाकारा किए बगैर 40 साल शहरी का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने इंसानी खिदमत का फरीजा अंजाम देकर एक और तारीख रकम कर दी। बेनामी अकाउंट्स को पीपल्स पार्टी से जोड़ना ज्यादती है। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी का केस लड़ा और ना कभी लड़ेगी, वो खुद अपने केसेस में क्लियर हो रहे हैं। एहतसाब से नहीं, पगड़ियां उछालने से मना किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कमर जमान कायरा बोले हुकूमत गिराने के मूड में नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बोलने, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए जोर तोड़ उरूज पर हमजा शहबाज ने पार्लियामानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर के हुकूमत में मौजूद पुराने इत्तेहादी अरकान असेंबली से राबते, साउद मजीद और सायरा अफजल तारड़ को जितवाने के लिए कोशिशें, तहरीक इंसाफ की भी हिकमत अमली तैयार। अराकीन असेंबली को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करने का फैसला, हर ग्रुप की निगरानी एक सूबाई वजीर करेगा। तंजीला इमरान सीनियर एसबी के हक में 10 बरदार, तंजीला इमरान आजाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ रही हैं। मौजूदा मुसवदाए बल्दियाती 2018 लीगी बल्दियाती नुमाइंदों पर लटकती तलवार बन गया। पंजाब हुकूमत बल्दियाती मुसवदा सादा अक्सरियत से पास करवाने के लिए मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देने की भी तैयारी, जोड़ तोड़ के लिए ड्राइंग रूम डायलॉग की सियासत शुरू। तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत क्या तब्दीली लाई, बताया जाए। रिलीफ के नाम पर वोट लेने वालों ने आवाम को महंगाई का तोहफा दिया, 100 दिन भी मुकम्मल होने को हैं मगर तब्दीली कहीं नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में तकरीर से खिताब। तर्ज तामीर का शाहकार, रतन सिंह दा खोला इंतजामिया की गफलत का शिकार। नामवर मुसन्निफ रतन सिंह की रिहायशगाह गारमेंट्स की दुकान में तब्दील। अदब की दुनिया में रतन सिंह को शायरी और अफसाना निगारी में आला मुकाम हासिल। तारीखी विरसा की हामिल इमारत, इंतजामिया की तवज्जो की अशद मुंतजर। पाकिस्तान और फलस्तीन के दरमियान दोस्ताना मैच, पाकिस्तानी फुटबॉल टीम दोस्ताना मैच खेलने के लिए लाहौर एयरपोर्ट से फलस्तीन रवाना हो गई। दोस्ताना मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम बरास्ता दुबई उर्दन से फलस्तीन पहुंचेगी। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के 17 खिलाड़ी और 4 ऑफिशल्स फलस्तीन रवाना हुए। टेनिस को मुल्क के हर कोने में लेकर जाएंगे, कोर्ट्स की मरम्मत के लिए हुकूमत से फंड्स की दरख्वास्त की है। तीसरी पाकिस्तान ओपन टेनिस चैंपियनशिप में दुनिया के बेहतरीन कोचेस को मदऊ किया गया। सेक्रेटरी पंजाब लॉन टेनिस रशीद मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शिकागो के मेयर दो रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। मेयर और डेप्टी मेयर की जानिब से अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। अमीर आलमी तबलीगी जमात फिर अलील हो गए। हाजी मौलाना अब्दुल वहाब डेंगी बुखार में मुब्तला, मौलाना अब्दुल वहाब को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और रहमतुल्लिल आलमीन हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न, शहर में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियों बाजारों और घरों की सजावट का सिलसिला जारी। गणपत रोड पर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों की आमद।